हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। निधि के ब्लॉग्स 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मिट्टू भी आपका स्वागत कर रहा है। और ये इसके खेलने का टाइम है, मस्ती से अपने टॉयज से खेल रहा है ये इस वक्त। और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आज अपनी बात जो करने जा रही हूँ वो मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये बताने जा रही हूँ। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेल हो या फीमेल हो, जब आपके पास है तो हम उसे उतना ही प्यार हमें देना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने पूछा है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। तो देखिए, जो मेल पैरेट होता है वो जब बेबी होता है तो इतना हम एकदम से फ़र्क नहीं पता चलता है, दोनों एक से लगते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बड़ा होने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। लेकिन बेबी पैरेट में हम सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर उसके पैरों का कलर डार्क है तो वो फीमेल है, और अगर उसका कलर पिंक और वाइट है तो वो मेल है। और दूसरी चीज़ है कि जो फीमेल होती है वो शुरू से ही थोड़ा अग्रेसिव नेचर की होती है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो काटती भी ज़्यादा है। और जो मेल पैरेट होता है वो पीस होता है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता, मतलब आपको ज़्यादा हर बात पे काटता भी नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जो इनकी टेल होती है, पूंछ होती है, जो मेल पैरेट होता है उसकी बहुत लंबी होती है, और जो फीमेल होती है उसकी नहीं, इतनी लंबी नहीं होती है। और जो सबसे बड़ी पहचान है वो इनके आप पंखों को देख के लगा सकते हैं। जो मेल पैरेट है उसके पंख थोड़े शाइन करते हैं, ग्रीन होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और जो फीमेल पैरेट होता है उसको क्या है, उसके पंख बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करते हैं, थोड़े रफ से होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मेल पैरेट अपने आप को बहुत अच्छे से रखता है, स्मार्ट बना के रखता है, अपने पंखों को साफ करता है तरीके से, फीमेल इतना ध्यान नहीं रखती है ये। और जब बड़े हो जाते हैं, 18 मंथ से स्टार्ट होती है इनके रिंग आना। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि रिंग कब आती है, तो इनके 18 मंथ से हल्की हल्की, आप देखिए बहुत इसकी, ये तो अभी 15 मंथ का है तो इसके हल्की हल्की रिंग आना स्टार्ट हो गई है। और आपको दिख भी रही होगी, बहुत हल्का हल्का निशान आया है। और 18 मंथ में इसकी हल्की क्लियर होगी, और जब ये 2.5 साल का होगा, 26 उसका होगा मंथ का, उसके बाद इसकी पूरी रिंग आ जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, किसी ने भी नहीं बताई होगी, मेल पैरेट के 1 साल बाद एक हल्का सा पॉइंट रेड कलर का उसकी गर्दन पे आ जाता है। आप उसी से पता कर लीजिएगा कि आपके अब पैरेट जो है वो मेल है या फीमेल है। लेकिन मैं हर वीडियो में कहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने पैरेट का ध्यान रखिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, खाने का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए।